हर काम जो खान साहब करते हैं उसकी कॉपी करने की कोशिश हमारी प्लास्टिक वाली आंटी करती है। आज सिर्फ 12 लोग जो उनके गाड़ी के ऊपर फूल फेंक रहे थे, सिर्फ वही थे उनके साथ, यही मतलब जजिस थे जिन्होंने बहुत बड़े थे सिंगर है, इसकी सारी जिंदगी एक मेहंदी वाला गाना मशहूर है, वो क्या खान साहब मैं हूं आपका मेजबान इब्तिदा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। भाई जान, ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने सर, क्या मतलब है इसका? ये इसका मतलब वही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हर काम जो खान साहब करते हैं उसकी कॉपी करने की कोशिश हमारी प्लास्टिक वाली आंटी करती है, लेकिन हर दफा उनके मुकद्दर में दिल्लत ही होती है। और मैं उन्हें यही बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, हर भुट्टा को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, वो एक नजरिया रखते हैं भुट्टा, वो नजरिया सिर्फ उन्हें खान साहब ही दे सकते हैं, प्लास्टिक वाली चोर भी कोई उसे नजरिया दे सकते हैं। जनाब मेरे पास नजरिया है, मैं 3 लखे से लोग सियासत कर रहे हैं, खान साहब को जुम्मा जुमार भी हुए हैं, तो हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? वहां हमें जानती है, हमें पहचानती है। मैं उनके पास एक जवाब देना चाहूंगा, वो खान साहब के मुकाबला कन्वेंशन का भी मुआवजा कर लें और अपने मुकाबला कन्वेंशन का भी मुकाबला कर लें। आज सिर्फ 12 लोग जो उनके गाड़ी के ऊपर फूल फेंक रहे थे, सिर्फ वही थे उनके साथ, चाहे वो भी उन्होंने अपने बंदों को काले कोट दिलवाए हुए थे, अपने मुलाजमों को, काफी सारी पुलिस की नकली थी उनके साथ, और खान साहब की सारे पाकिस्तान ने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें कवर किया हुआ है। अच्छा, इनको वकला कन्वेंशन के साथ खिताब करने की क्या सोच रहे, क्या उनको समझा रही थी वहाँ पे, मतलब की बेहतरी के लिए कोई ना बात समझा रही होगी ना? जो मेरे ख्याल में कोई 10-12 क्लब वकला रह गए हैं उनके साथ, उन्हें वो और क्लब करने की कोशिश कर रही है ताकि वो जुडिशरी को अंडर प्रेशर कर सके और उनको मतलब अपने फैसले मनवा सके, जिस तरह 1997 में उन्होंने करने की कोशिश की। इस तरह भी इनका वही प्लान था, लेकिन आवाम ने इनका प्लान करना शुरू किया और जो मतलब वकला थे उन्होंने जुडिशरी का सपोर्ट किया, जो आयन की तहफुज किया, सुप्रीम कोर्ट ने आयन के मुताबिक फैसला दिया और आप लोग खुश हैं, बड़े पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग खुश हैं, भारत जमात के लोग बड़े गुस्से में हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पे आयन का जो फैसला आता है, जो सुप्रीम कोर्ट आयन के मुताबिक फैसला देती है, उसको मानना चाहिए, पेशे जोर से मर्जी जमात होगा करना चाहिए? सर, मैं सिर्फ इस पे एक बात कहना चाहूंगा, जब खान साहब की हुकूमत 9 अप्रैल को मतलब बरकरार की गई, यही मतलब जजिस थे जिन्होंने ये फैसला दिया था, तब वो मरियम और मुबारक मुबारक, लेकिन अभी इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तब आयन का फैसला था, खान साहब ने सब किया था, अब इनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आयन ने आपको लगता है इस दफा जो इलेक्शन होंगे वो ऑनेस्टी भी होंगे और आप लोग उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे? सर, ऑनेस्टी तो पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शन होते हैं, मामला पर हम लोग यकीन करते हैं इमरान खान साहब जीतेंगे, अगर कुछ ना कुछ होता मामला खराब होता खान साहब नहीं जीते तो आप लोग फैसले को एक्सेप्ट करोगे? सर, इंशाल्लाह खान और दो लड़ाई से आएगा खान, ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। अच्छा, खान साहब अगर आ जाते हैं तो किस तरह खान साहब इस मुल्क को बहरान से निकाल पाएंगे? आप इस जो महंगाई बढ़ चुकी है, खान साहब कैसे करेंगे? लास्ट टाइम भी जनाबी लोगों ने यही कहा था कि खान साहब हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से जो वादे किए उसको पूरे किस्ते नहीं दी, आवाम को रिलीफ दिया लेकिन वहां पर बर्डन बढ़ता गया। आप क्या समझते हैं खान साहब जो दोबारा हुकूमत में आएंगे किस तरह चेक एंड बैलेंस करेंगे? खान साहब अपने 10 पॉइंट्स बता चुके हैं मेरे ख्याल में पीछे, बिल्कुल वो उसी तरह उन्हें इंशाल्लाह कम्प्लीमेंट करेंगे। सर, खान साहब ने तो 10 पॉइंट्स बता दिए हैं, आप भी उन 10 पॉइंट्स पे या मैं भी उन 10 पॉइंट्स ये भी 10 पॉइंट्स अमल करेंगे? पाकिस्तान को हमें यहाँ पे देखा है, जब भी कोई सियासतदान आया जो उसके मुखालिफ लोग हुए वो लोगों ने उनके खिलाफ ही बात की है, तो आप क्या समझते हैं खान साहब तमाम लोगों को प्लेटफॉर्म पर बैठा कर पाएंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्योंकि जैसे पहले खान साहब को भी एक दिवालिया मुल्क ही दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसके ग्रोथ को 6% तक पहुंचाया, जो कहते हैं कि 6% पे ग्रोथ नहीं थी उनको मैं मुंह पे चपेड़ मार के कहना चाहता हूँ कि आप जाके गूगल करें, आप इंडस्ट्री देखें, फैसलाबाद के ताजर लोगों का खुद बयान है कि हमारे पास लेबर नहीं थी, अभी लेबर दलील हो रही है, इंडस्ट्री बंद हुई है सारा कुछ। खान साहब इंशाल्लाह जब आएंगे, उन्होंने पहले भी इसको, फिर क्या वजह मेरे प्यारे भाई की इन लोगों से आगे मतलब संभला क्यों नहीं है? इनके बाद मुझे भी 1 साल तकरीबन हो गया, आप क्या समझते हैं इन्होंने गलत फैसला किया था खान साहब से मुल्क लेके? अगर खान साहब की हुकूमत रहती तो शायद मामला कुछ और होते और इस पर PDM DZ होती।
जैसे खान साहब बताते हैं कि उन्होंने फैमिलीज को पहले बता दिया था कि अगर इनके मुझे निकाला गया हुकूमत से तो इनसे ये मुल्क नहीं संभलेगा, और सारी आवाम ने, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि इन्होंने अपने केस माफ करवाए हैं, इनकी याशियां उधर हैं, गाड़ियां इम्पोर्ट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, अवाम को आटे के पीछे जलील कर रहे हैं, अवाम मार रही है, और उसके अलावा जो आटा है वो भी दो नंबर है, मतलब गंदा आटा दे रहे हैं अवाम को। अवाम अब क्या मैं कहूँ, वो गंदा कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकलने लगा था, अवाम अब ये नहीं है कि वो मतलब जो ये हम देखो हम हार साहब के विजन को मानते हैं, बात को मानते हैं, लेकिन हार साहब जो एमएलए एमपी को टिकट देते हैं वो लॉयल नहीं निकलते। लास्ट में देखा 514 एमपीएस थे एमएलए से, जिन्होंने जनाब ना को भेज दिया, तो क्या समझते हैं हार साहब को उसके बाद जो है पॉलिसी पे सख्त करनी चाहिए, किस तरह पर रखना चाहिए? जिस तरह के खान साहब ने बताया कि वो इंशाल्लाह खुद इस दफा इंटरव्यू करेंगे और खुद टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, खान साहब को ज्यादा यंगस्टर्स को आगे लेके आना चाहिए, जो मतलब के जैसे मुराद सही है, उस तरह के यंगस्टर जो खान साहब के साथ पूरे कदम के साथ यार। पाकिस्तान में जो एवरेज मुल्क एक एज चल रही है ना, वो 60 से 65 साल है मैक्सिमम, खान साहब माशाल्लाह 70+ के हो चुके हैं, आप क्या समझते हैं खान साहब हमारी आखिरी होप है, खान साहब के अलावा कोई आपको जिम्मा नजर आया जो मुल्क को बचा सकता है? सर अभी जो मौजूद है वो तो खान साहब है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह खान साहब ऐसे लीडर पैदा करके देंगे जो आइंदा आने वाला भविष्य पाकिस्तान को संभाल देंगे और पाकिस्तान को खान साहब के विजन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जवाद अहमद ने कहा खान साहब फसादी है, बहुत बड़े जो सिंगर है, क्या समझते हैं जवाद अहमद को हमेशा खान साहब पर बुराई क्यों नजर आती है, बाकी तमाम लोगों को बुराई क्यों नजर नहीं आती? इसकी सारी जिंदगी एक मेहंदी वाला गाना मशहूर है, वो क्या खान साहब को क्या बताया, उसका गाना एक है मेहंदी वाला, उससे वो चढ़ गया बस खान साहब के बाद वर्ल्ड कप था, बिल्कुल था, जो उनको फेमस होने की एक वजह। उसके बाद उन्होंने शौकत खानम दिया, नमर यूनिवर्सिटी दी, अलकादर यूनिवर्सिटी दी, फिर जब वो अपनी हुकूमत में आए उन्होंने सेहत कार्ड दिया, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने एहसास प्रोग्राम दिया, ये मुझे चोर बताए उन्होंने क्या दिया आवाम को, हमें आगे बता दें कि एक हमारे दिया।